भाई साहब यार स्कैम हो चुका है हमारे साथ में, एज के साथ में, चाइजार, बल्बासोर, स्क्वायरल के साथ में। मतलब पोकेमोन वाले इन सब को एज ए कैरेक्टर जो है ना रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। पोकेमोन वाले इनकी डिग्निटी को, ग्रेविटी को, वर्दीनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। भाई साहब यार क्या क्या कर सकते हैं, इनके कैरेक्टर की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, बट यार इनको बर्बाद किया जा रहा है। बता रहा हूँ, पोकेमोन M2B मास्टर का नाम ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए पोकेमोन बड़ापन, विशालपन जो है ना वो यार खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ नहीं रहे होंगे, सब्सक्राइब कर दो समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एस किचन जो है ना विनर बॉय है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन जीत के आया है, लेकिन उसकी अभी तक हमको वो रेस्पेक्ट देखने को नहीं मिली। पहले पहले हमको लग रहा था एस किचन की हमको एक ग्रैंड पार्टी देखने को मिलेगी जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड आएंगे, लेकिन यार ये नल्ले नल्ले प्रोफेसर्स एस की पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ यार प्रोफेसर ओक एंड एस की मम्मी थे जो कि यार पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। भाई यार एस कैसे वर्ल्ड चैंपियन जीता है और यहाँ पे गो के पोकेमोन एंजॉय कर रहे हैं। भाई यार नाइंसाफी देख रहे हो ना, एस के पुराने पोकेमोन जिन्होंने एस को जिताया था उनकी रेस्पेक्ट गई टेलर ने, यार गो के पोकेमोन पार्टी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने मेरे गुस्से को दबा लिया, लेकिन एस कैसे विनर है यार, एस कैसे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं दे रहा है, डैट्स व्हाई मुझे बुरा लग रहा है। मतलब एस को मैं बोलना चाहूंगा, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी जमीन पे आएगा जरूर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, जो कि अच्छी बात है। यानी कि दोस्तों जब से वो वर्ल्ड चैंपियन बना है ना, तब से लेके अब तक उसको हमने एज चैंपियन लेवल, मास्टर लेवल, वर्ल्ड चैंपियन लेवल को नहीं देखा है। हमने उसको आखिरी बार जब उसको यार चैंपियन की तरह ट्रीट करते हुए देखा था वो था एलोला रीजन में, जब एस किस्म गया बैटल रॉयल के अंदर, जब उसको चैंपियन चैंपियन से पुकारा गया, आवाज गूंज रही थी, वो थी असली रेस्पेक्ट, जो कि मैं मानता हूं वही थी असली मजा, वही था एस का पीक लेवल, पोकेमोन का पीक लेवल। मतलब यार मानता हूँ M2B मास्टर में ज़्यादातर वो पोकेमोन की हेल्प कर रहा है, वो यार ऑडियंस में, लोगों के बीच में अभी तक गया नहीं है, लेकिन एक एपिसोड में वो जरूर से ऑडियंस के बीच में गया था, episode 3 के अंदर M2B मास्टर के, जिसमें ब्रोक वापस आया, उसमें यार वो खाना खाने गया था होटल के अंदर। भाई साहब लोगों ने उसको पहचाना तक नहीं, ये कैसे संभव है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तो यार पोकेमोन वर्ल्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन को इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती होगी, लोग इतना जानते नहीं होंगे। अरे भाई यार अच्छी घंटा, ये कैसे संभव है? तुमने लियोन को देखा कितनी रेस्पेक्ट थी, यहाँ तक कि रायन जो कि भाई जिम लीडर है उसकी भी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है, तो एस की रेस्पेक्ट कहाँ गई मुझे बताओ यार, ये मुझे काफी बुरा लगा। और आने वाले समय में episode 5 के अंदर भी ये यार ऑडियंस के बीच में, लोगों के बीच में जाने वाला है, जब स्क्वायरल स्कोर का शो होगा ना उस टाइम एस कैसे भी जाएगा और लोगों के बीच में, और यार अगर वहां पर भी उसको सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मैं नहीं चाहता कि लोग इसे सेल्फी ले ऐसा वैसा करें, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस यार एक दो लोग यार इसको मेंशन कर देना, अरे यार ये तो वर्ल्ड चैंपियन है, मैं ये चाहता हूं। मैं यार तुमको लग रहा होगा गुस्से में हूं, नहीं गुस्से में नहीं हूं, दुख में हूं, बिकॉज यार इस केच में यार इतना कुछ अचीव कर चुका है, लेकिन यार उसके अचीवमेंट को सही से शो नहीं कर रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ एस का फैन हूं जो कि चाहता हूं कि उसको रेस्पेक्ट मिले। मतलब यार तुम सोचो ना, गजब आयरनी हो जाएगी जब यार स्क्वायरल स्कोर के शो में लोग जो है ना स्क्वायरल को ज्यादा भाव देंगे एस के कंपैरिजन में। मतलब यार हाँ जानता हूँ लोग स्क्वायरल स्कोर के शो को देखने आए हैं, लेकिन भाई एस किचन भी तो भाई असली प्राणी है, एस किचन की भी तो कुछ रेस्पेक्ट है। बट हाँ यहाँ पे पोकेमोन वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे जो है ना स्क्वायरल स्कोर का शो देखने आए हैं, कोई यार बड़ा मतलब मैच्योर लेवल का बंदा तुम्हें दिखेगा नहीं जो कि यार मेंशन कर दे एस किचन तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि यार एस को चैंपियन लेवल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन यार एस के साथ जो हुआ मैं ज़्यादा कुछ यार बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन भाई चाइजार्ड, स्क्वायरल, बल्बासोर के कैरेक्टर को भी इन्होंने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में। उसके बारे में सुनने के बाद तुम लोग यही बोलोगे साला जिंदगी बर्बाद है, वैसे सब्सक्राइब कर लो जिंदगी में सही कर दूंगा। पोकेमोन का आंसर दो, बाय बाय।